हाय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले आज चैप्टर नंबर 11 सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो एक एक पॉइंट को देख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सर्कल, और उसके इंटीरियर में कोई पॉइंट P हो, ठीक है, तो उससे जितने भी पास होने वाले लाइनिंग होंगे, जितने भी पास हो रहे हैं लाइनिंग, देखो जितने भी पास लाइनिंग हो रही है वो ये सर्कल को किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। पहला इसका ये है कि अगर कोई भी सर्कल है, अगर उसके इंटीरियर में उसके अंदर कोई एक पॉइंट P है, तो उससे पास होने वाली लाइन उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। उससे पास आने वाली लाइन किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये हो गया, ठीक है, अपने लिख लेने का है, ठीक है। क्या करती है कि अगर कोई भी, क्या लिख सकते हैं इसको, कि अगर कोई भी सर्कल के एक इंटरनल पार्ट में कोई पॉइंट है, तो उससे पास होने वाली लाइन सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, सेकंड क्या है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, तो उसके सर्कमफेरेंस से किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है। कितने टेंजेंट बनेंगे किसी सर्कल पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने का, ओके। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड आपको एक पॉइंट बता रहा हूं मैं कि थर्ड, अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सर्कल, और इसके बाहर कोई पी पॉइंट दिया हुआ, ये सर्कल है, बाहर कोई पी पॉइंट दिया हुआ, तो उससे इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कोई भी सर्कल के एक्सटीरियर मतलब बाहर कोई पॉइंट है, तो वहां से उस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाते। देखो ये जो लाइन है जो सर्कल से टच होके पास होके जाती है, इसी को टेंजेंट बोला जाता है। किसी को क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है, ओके, समझ में आ गया। फिर उसके बाद से और कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से, यहां पे देखो एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, मान लो ये ओ सर्कल है और इसका एक्सटीरियर पॉइंट पी है, तो पी से दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो इसमें जो पी टी वन है इक्वल टू पी टी टू होगा, इसका लेंथ ऑफ साइड एंड इनका लेंथ ऑफ साइड दोनों क्या होंगे, दोनों टेंजेंट के लेंथ जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, जानना है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, वही जो कह रहा है कि मान लो कि ये सर्कल के कोई अगर बाहर पॉइंट है, तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव करो कि पी टी वन और पी टी टू ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होंगे, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ थ्योरम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक बताना चाहिए था पहले, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक ये है कि जैसे कि सपोज दैट दिस इज द सर्कल, ओके, सर्कल है, इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर में होता है उसको बोला जाता है सेंटर, ठीक है, सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, सेंटर से पास होने वाली लाइन दो इंटरसेक्ट पॉइंट सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, डायमीटर, क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यहां से यहां तक तो डायमीटर हो गया, ठीक है, मान लो ये इतना हो सिर्फ, तो ये क्या होता है, रेडियस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बता देता हूँ, रेडियस थे, ठीक है, और इस पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे जा कहीं पर भी जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा और वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो वो सर्कल होगा तब, सर्कल नहीं है तो नहीं होंगे, ओके।
फिर और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब एक्सरसाइज हम करते जाएंगे तो काफी ज्यादा कुछ पॉइंट हमें समझ में आएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं समझाते जाता हूँ, ठीक है। सपोज डैट मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँ। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑफ अ प्लेन विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड एज अ रेडियस, जो मैंने अभी बताया। वी आर यूजिंग वर्ड रेडियस फॉर ए लाइन सेगमेंट एज वेल एज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट ही होता है, ठीक है। द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मान लो कि दो कॉर्ड है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, एक सर्कल है, ठीक है। मैं पांचवा पॉइंट बता रहा हूँ, ये सर्कल है, दो कॉन्ग्रुएंट, ये है एक और मान लो एक ये है, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल है, कॉर्ड है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है, सबटेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल एट द सेंटर। अभी इनको अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इससे जो ये मान लो इससे बनने वाला ये एंगल और इससे ये बनने वाला ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, और इसके लिए ये रेडियस इक्वल है, इसके लिए ये रेडियस इक्वल, तो ऑब्वियसली ये एंगल इस एंगल के सेम होगा। अगर उसके बनने वाले सेंटर से एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और कह रहा है कि ये लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर थ्रू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कह रहा है, छठवां पॉइंट देख लो, छठवां पॉइंट है कि मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इससे ये आपका ए बी, मान लो ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है। तो अगर ये इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सेंटर से ही पास होके जाएगा। अगर पास होके जाता है तो ये जो मान लो ए ओ होगा वही ओ बी होगा। ये भी ध्यान में रखने का कि ये जो ए ओ लेंथ है वही ओ बी लेंथ होगा, अगर ये इसका परपेंडिकुलर लेंथ इस सेंटर से पास होके जाता है तो। वॉइस वर्सा भी समझ लेने का कि अगर ये इन दोनों को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जो जा रही है वो सेंटर से ही होके जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मान लो किसी का सेंटर फाइंड आउट करना नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करने का, सिंपल सा वही है कि एक कॉर्ड खींचो, इसका बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये सेंटर से पास हो रहा है। दूसरा एक कॉर्ड खींच दो, इससे बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो इंटरसेक्ट होगा ये दोनों का बाइसेक्ट परपेंडिकुलर लाइन, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलते जाएंगे तो हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसके पहले कुछ एग्जांपल है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपने ने देख लेना है कि कुछ ये सब्जेक्ट से पहले कुछ बेसिक नॉलेज थे वो मैंने बताया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो अपडेटेड वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।